मसीम खान व्लॉग में आप सबका फिर से वेलकम है। आज के बहुत अरसे बाद बारबेक्यू हम व्लॉग बना रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे बारबेक्यू किस टाइप की होती है। ठीक है, अभी तो हम चिकन की बना रहे हैं, तो ये चेक कर सकते हैं आप लोग, ये आग लगा दी है। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं आप लोग को बारबेक्यू किस टाइप की होती है। तो चलो ऐसे कि चिकन मिक्स चावा मिक्स। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अभी जो है ना सेट अभी तैयार कर रहे हैं इसके लिए। तो चलो शुरुआत है, अभी बहुत अरसे बाद जो है ना बारबेक्यू की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैं खुद वो सीट पे बैठूंगा, अभी छोटा बैठा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ अपनी सीट पर, बहुत अरसे बाद जो है ना व्लॉग कर रहा हूँ। ये देख पंखा मेरे हाथ में, तो ये देख सकते हैं, ये चेक कर ले यार, ये सीन मैं बना रहा हूँ। तो बारबेक्यू लोग जो है ना बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो बहुत अरसे बाद इंशाल्लाह लोगों को मज़ा आएगा इस बारबेक्यू में। तो सीखे भी बड़े मज़े की सीखा, ये चेक कर सकते हैं आप लोग, क्या बात है वही खाओगे। 300 रुपये का सीख है, आ जाओ सिर्फ 300 रुपये में, आ जाओ जी आ जाओ, सीख ले लो 300 रुपये में सीख ले लो, मज़ा आएगा। तो जो है ना तकरीबन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो पक चुका है, थोड़ा थोड़ा मज़ा तो आएगा सीख खाने में। ज़्यादा बहुत मिर्ची डाली हुई इसमें, तो आराम से खाना चाहिए। साथ मज़े की बोतल है कोका कोला टू, तो गाना नहीं गा सकता मैं, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा मुझे, एक तो आया हुआ वैसे भी। तो चलो आगे देखते हैं होता है क्या। बाय बाय रोड़ा। हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, जो बारिश का मौसम है, बारिश भी हो जाएगी, तो हम बाहर बैठे हुए हैं, चेक कर सकते हैं, ये ना कि बारिश हमारे ऊपर ही आ जाए। जल्दी से मैं पका लेता हूँ सीखा, क्योंकि कस्टमर बहुत है मेरे पास। मैं आपको कस्टमर चेक कराता हूँ, 300-300 रुपये वाले कस्टमर बहुत मिलते हैं, और बहुत मुश्किल से भी मिलते हैं कसम से। बारबेक्यू लोग का अलग ही मज़ा है। तो ये मेरे कस्टमर है, देख लें, ये 300 वाला है, ये भी 300 वाला है, तो वो भी बैठे हुए हैं अभी, बहुत कस्टमर है, तो बन रहे हैं बारबेक्यू में, बना रहा हूँ जी बहुत अरसे बाद। ये यार मैंने पंखा नीचे रख दिया, हवा चल रही थी, बारिश का मौसम है, तो मैंने कहा वैसे ही हवा चल रही है तो फिर पंखा मैं क्यों मारूं। तो अब ये देख सकते हैं खुद ही पक रहे हैं, ये चेक कर भाई धुआँ कितना मज़े का धुआँ है यार। तो अभी बाकी पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलो हवा चल रही है, क्यों अपने हाथ को जो है ना तकलीफ दूँ। तो बस अल्लाह की कुदरत है हमारे पास, तो हम क्या करें।